क्योंकि जब मैंने फर्स्ट डे किया जॉब पे तो सोच तो यही था कि बड़ा सा ऑफिस होगा, एकदम शानदार केबिनों का जाके ब्रीफकेस रखूंगा और काम स्टार्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों वो सब एक सिर्फ सपना ही था। गया तो एक झोपड़ी मिला टीन सेट वाला, एक चेयर था प्लास्टिक का और एक प्लास्टिक का टेबल था, वहीं पे अपन का सामान रखा, पूरे धूल से भरा हुआ टेबल। पहले जाके उसको झाड़े, अपना बैग रखा और जब मैंने ड्राइंग उठाया, ड्राइंग पढ़ा, ड्राइंग पढ़ने में को आ जाता था क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे जगह से ट्रेनिंग लिया था, अपना वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत शानदार जगह से मैंने किया था। जो माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट होता है वो भी मैंने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ही किया था, तो पूरा मेरे को ड्राइंग रीडिंग मैंने सीख लिया था पहले से अपने कॉलेज पे ही। जब मैंने ड्राइंग उठाया, ड्राइंग पे देखा कि हाँ मेजरमेंट कितना है बीम का, और बीम की कास्टिंग हो रही थी उस समय, तो 8 इंच का बीम का मेजरमेंट था। मैं साइड पे गया, टेप पकड़ा और निकला 12 इंच। साइड पे जो बीम का साइज निकला वो 12 इंच। मैंने फुल एटीट्यूड में इधर आ सुपरवाइजर को बुलाया, इधर आ सुपरवाइजर आया। मैं बोला ये 8 इंच ड्राइंग पे दिया, 8 इंच साइड में कर रहा है तू, 12 इंच टिक कर इसको। तो सुपरवाइजर भी बड़े मतलब आश्चर्य से, उसने भी टेप नापा, 8 इंच आया। वो नाप रहा था 8 इंच आ रहा था, मैं नाप रहा था 12 इंच आ रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, अभी 12 इंच आ रहा है, देख इसको ठीक से। तो उसने मेरे को बताया कि सर टेप कैसे पकड़ते हैं। मेरे पास वो प्लास्टिक वाला टेप था, मैं हुक से ना पकड़ के ब्लैक पट्टी के सामने से पकड़ रहा था और वो ब्लैक टेप को पकड़ते हैं हुक से। तो ये कैपेसिटी था मेरा फर्स्ट डे कि मेरे को टेप पकड़ने नहीं आता था। ड्राइंग रीडिंग मैंने सीख लिया था लेकिन टेप पकड़ने नहीं आता, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2013 में, आज से 7 साल पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन यूट्यूब अवेलेबल नहीं था कि हम यूट्यूब में पूरी चीजें सीख सके। आज यूट्यूब अवेलेबल है, आज आपके लिए सिविल गुरु जी अवेलेबल है सिखाने के लिए। तो मेरे जैसी जो गलतियां, जो मुझे 5 साल लगे अपने करियर को ग्रोथ करने पे, एक अच्छे लेवल पे एक पीएसयू फॉर्म पहुंचने में मुझे 5 साल लगे, और 5 साल बाद मैंने एक पीएसयू फर्म से रिजाइनिंग दिया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कि जिस तरीके से मुझे टाइम लगा सीखने पे, मुझे ये फील हुआ यदि ये सारी चीजें मुझे पहले दिन आ जाता, यदि मुझे जॉब करते वक्त ये सारी चीजें मैं सीख लेता तो उस समय कहीं और होता। और जब मैं उस अचीव लेवल पे पहुंचा, जब उस इंडस्ट्री के एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचा, तब ये समझ आया नहीं यार ये अकेले के लिए नहीं है, ये नॉलेज मैं अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकता। इस नॉलेज को मुझे एक्सप्लेन करना है, इस नॉलेज को मुझे स्प्रेड करना है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, टू दैट सिविल इंजीनियर हु रियली वांट्स टू ग्रो देयर नॉलेज, हु रियली वांट्स टू ग्रो देयर कॉर्पोरेट स्किल, हु वांट्स टू ग्रो देयर कंपनीज, हु वांट्स टू अर्न मोर मनी दैट ही रियली डिजर्व। वो लाइफ स्टाइल, वो जीने का तरीका, वो एक काम करने की पद्धति, जब एटीट्यूड डेवलप होता है ना शरीर पे, जब वो सिविल का एटीट्यूड डेवलप होता है तभी मजा आता है। और सिविल गुरुजी का आज टुडे इज द सेकंड एनिवर्सरी, 7 जून 2018 को सिविल गुरुजी स्टार्ट हुआ था और 7 जून 2020 को सिविल गुरुजी का लास्ट डे ऑफर है आपके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का। हम पिछले लॉकडाउन से 35,400 रुपए का जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक टाइप का, जिस तरीके से हमसे सुविधा हो सका। देखो सर यार, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, जो फ्री का होता है वो यूजलेस होता है। YouTube पे, Google पे हर चीज फ्री पे अवेलेबल है। यदि आपके पास पूरी लाइफ बची है तो पूरी लाइफ आप YouTube पे सर्च कर करके चीजों को सीख सकते हो, लेकिन आपको एक कम समय पे लंबा अचीवमेंट चाहिए तो यू शुड ज्वाइन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे वेबसाइट और कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके कोर्स सीख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप अपने काउंसलर को फोन कीजिए, पूछिए कि आपके लिए क्या जरूरत है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरीके का वीडियो आप और चाहते हो सिविल गुरुजी से। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी आज भी इंजीनियर बेरोजगार है, क्यों पता है इसका रीजन? क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज एक अय्याशी का अड्डा हो गया। ऐसा क्या कारण है कि 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद भी इंजीनियर बेरोजगार है? कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बीच में इतना बड़ा गैप है? जो इंजीनियरिंग कॉलेज सिखाता है वो किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को चाहिए ही, और जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को चाहिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है ही नहीं। तो ऐसा कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियर्स कॉर्पोरेट में जाकर सही से फिट हो सकते? ऐसा क्या होगा कि जिससे कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होने के बाद जस्ट वो कॉर्पोरेट के लिए फिट हो जाए? पूरी जो इंडस्ट्री डिमांड है, पूरी जो कॉर्पोरेट की डिमांड है, वो इस कॉलेज से निकलने के बाद इंजीनियर के पास अपने आप होना चाहिए। इसीलिए सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आविष्कार हुआ इस दुनिया में, कि जो इन दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेज में सिखाया जाता है उसे ये प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं, और जो इस इंडस्ट्री को डिमांड है वहां जाके फिट करते हैं। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप कि जब आपको बाइक चलानी होती है, जब आपको बाइक सीखना होता है, तो डायरेक्ट आप बाइक खरीद के सीखना चालू नहीं कर देते। पहले आप सीखते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट के साथ,
अपने किसी कलीग के साथ बाइक चलाना सीखते हो, फिर जाके बाइक लेते हो, फिर उस बाइक को ऑपरेट करते हो। सेम उसी तरीके से इंजीनियरिंग जॉब भी, इंजीनियरिंग करियर भी है। आपने जन्म तो ले लिया है एज ए इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के, लेकिन अब टाइम है सीखने का। पहले आप सीखोगे, सही तरीके से आपको चलाना आ जाएगा, तभी तो आप सही तरीके से जाके जॉब करोगे। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, आप पैदा हुए हो इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बने और डायरेक्ट जाके जॉब कर लो। इस गैप के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखा हुआ इंजीनियर डायरेक्ट कॉर्पोरेट में जाके करियर ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है वो कभी कॉलेज वाले बताए ही नहीं। क्योंकि कॉलेज में जितने भी लेक्चरार हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कभी भी इस इंडस्ट्री में आके जॉब किया ही नहीं। इस इंडस्ट्री को वो जानते ही नहीं, तो वो आपको सिखाएंगे क्या? मतलब ये तो वो कहानी हो गया कि आपको जाना है दिल्ली घूमने के लिए, लेकिन आप पूछ किससे रहे हो जो कभी दिल्ली गया ही नहीं। यदि आपको कभी भी किसी भी दुनिया घूमने जाना है, किसी भी लोकेशन में ट्रैवल करने जाना है, तो आप उस पर्सन से कांटेक्ट करते हो जो उस एरिया से ट्रैवल करके आ चुका है, जो सक्सेसफुली उस ट्रैवल को अचीव किया है, उस पर्सन से पूछते हो। वो पर्सन होता है ये सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसी कारण से आज से 2 साल पहले सिविल गुरुजी का उद्घाटन हुआ, 7 जून 2018 को सिविल गुरुजी का उद्घाटन हुआ। उस सिविल गुरुजी को स्टार्ट करने के पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं कि जब मैं जॉब कर रहा था उस समय हमने करीब करीब 1.5 महीने तक 100 से ज्यादा इंजीनियर का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में ये पता चला कि लोगों के पास स्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ा, जिस स्पीड से हमारे ट्रेनर्स आगे बढ़े अपने करियर पे, वो स्किल्स बाकी इंजीनियर्स पे नहीं है। वो नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये बड़ा गैप जो कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच में है। ये जो बीच का गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए सिविल गुरुजी का आविष्कार हुआ। एक और सबसे बड़ा जो रीजन है जिसके कारण सिविल गुरुजी का आविष्कार हुआ, वो फ्रॉड जॉब कंसल्टेंसी। बहुत सारे इंजीनियर फ्रॉड जॉब कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस जाते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन अमाउंट 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए इस टाइप का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हैं, और उनके द्वारा कहा जाता है यार तो फॉरेन जा सकता है, तो दिल्ली जा सकता है, तो मुंबई में जॉब कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहां कहां गांव में बैठे अपना करियर खराब कर रहा है। और वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को चार्ज करते हैं और कहते हैं कि जब जॉब लगेगा तो ये फीस रिटर्न हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस है, सिक्योरिटी अमाउंट है, 3 महीने के लिए, 4-6 महीने में रिटर्न हो जाएगा। इस टाइप का फ्रॉड करके आपको झांसा देके वो आपसे जेब से पैसा तो निकाल लेते हैं, लेकिन इंजीनियर फिर क्या गलती करता है? वो फिर ये गलती करता है कि वो इंटरव्यू के भरोसे, उनके इंटरव्यू के भरोसे वो आराम से बैठ रहता है कि यार वो तो जॉब लगवा देगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या यार, क्या ये पॉसिबल है कि आपको आएगा कुछ नहीं और आप जाके जॉब कर सकते? ये इस तरीके से हो गया कि आपको कार चलाने नहीं आता, लेकिन आप मांग रहे हो अपने फ्रेंड से यार दे मेरे को कार चलाने। जब तक कार चलाऊंगा नहीं तब तक सीखूंगा कैसे, यही लोग कहते हैं। एक सवाल पूछा गया कमेंट पे, सर जब तक फ्रेशर जाके जॉब नहीं करेगा तब तक एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो भाई साहब, जब आपको सीखना है तो क्या आप चमचमाती हुई न्यू कार चला के सीखोगे? क्या आप अपनी ब्रांड न्यू कार में अपनी ड्राइविंग स्किल चेक करोगे कि मुझे कार चलाना है तो मैं नया कार खरीदूंगा फिर चलाऊंगा? नहीं यार, ड्राइविंग सीखने के लिए हम अपने पेरेंट्स से, घर पे कार है तो, या अपने फ्रेंड से, या फिर हम ड्राइविंग स्कूल में जाके पहले कार सीखते हैं, फिर हम अपनी कार परचेस करते हैं या जो हमारे पास कार है उसको हम चलाते हैं। तब तक हम फ्री हैंड उस कार को नहीं चलाते जब तक हमें पूरी की पूरी उसको चलाने की स्किल ना जाए। सेम उसी तरीके से जॉब है, जो इस इंडस्ट्री में डिमांड है वो डिमांड है एक स्किल्ड इंजीनियर। और अब तो कोरोना के बाद अब और ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, क्योंकि कंपनीज अब ज्यादा इंजीनियर को हायर नहीं करेगी, क्योंकि आने वाले 4-5 साल तक इंडस्ट्री मंदी में ही रहेगा, क्योंकि लेबर घर जा चुके हैं। अब उनको वापस लाना, फिर से फंड रेज करना, गवर्नमेंट के पास फिर से फंडिंग आना, ये समय लगेगा। और इस समय पे आप अपना करियर खराब मत कीजिए, और बच के रहिए उन फ्रॉड कंसल्टेंसी से जो जॉब के नाम से आपको पैसा ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते, उनसे उनके पास ये सिस्टम है कि आपके जॉब लगने के बाद जब आपकी सैलरी आएगी तो आपकी सैलरी से 50% 60% फर्स्ट मंथ की सैलरी लेंगे। ये कंसल्टेंसी एक तरीके से सही भी हो सकती है, क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ही, लेकिन जॉब लगने के बाद चार्ज करेगा। ये मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं कि यदि आप 1 महीने घर पे बैठ गए तो पैसा तो मिलेगा नहीं घर में बैठने का, लेकिन यदि आपने 1 महीना जॉब कर लिया तो अगले महीने से ये डेफिनेटली आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। कुछ कंपनीज हाफ सैलरी लेती है, कुछ कंपनी 70% लेती है, कुछ कंपनी 80% लेती है, जो जॉब कंसल्टेंसी है उस कंसल्टेंसी पर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले टेक्निकल स्किल अजमा लो यार, पूरा का पूरा टेक्निकल स्किल समझ लो क्या है टेक्निकल स्किल। मतलब ये इस तरीके से बात हो गई ना कि आप क्योंकि क्रिकेट खेलने जा रहे हो और आपको बैटिंग नहीं आती, बस बैटिंग बैट मिल जाएगा तो खेल लूंगा, खेल के देखेंगे बैटिंग कैसे होता है। जब आप बैट पकड़ोगे बॉल आ गया, बोल हो गया तो दोबारा चांस तो नहीं मिलने वाला। इसलिए हर मैच से पहले नेट प्रैक्टिस जरूरी है, जाके आप पहले नेट प्रैक्टिस करो अच्छे से, पूरी टेक्निकल स्किल अच्छे से सीख लो आप। और इसी में मैं आपको समझाता हूं, यदि आपको बैटिंग और बॉलिंग नहीं आती
तो आप पूरी मैच में सिर्फ फील्डिंग करते रह जाते हो, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो सारे सिर्फ फील्डिंग करते रह जाते हैं। समझ रहे हो इस इंडस्ट्री में कैसा है? चीजों को समझो और उसे एनालाइज करो अपनी लाइफ का। यार यदि आपको एक काम आता है और आपकी कंपनी में कोई ऐसा इंजीनियर आया जिसको मल्टीपल काम आते हैं, तो आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये आदमी पूरा काम कर लेगा। कंपनी को अल्टीमेट चाहिए तो सिर्फ पैसा। कंपनी आपके इमोशनल टच, आपके फैमिली टच, आपके फाइनेंशियल टच से मैटर नहीं करता। मतलब कि यदि आपके पास टेक्निकल स्किल डेवलप नहीं है, यदि आपका टेक्निकल स्किल वीक है, तो आप अपने करियर पे जीरो ग्रोथ करते हैं, जीरो ग्रोथ। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर इस इंडस्ट्री पे, इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सैलरी 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, 35,000 रुपए 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद। क्यों? टेक्निकल स्किल में कभी काम ही नहीं किया, हमेशा लेबर संभाला उन्होंने। जीवन भर लेबर संभाल के आगे कैसे बढ़ोगे यार? प्रोजेक्ट मैनेजर तक, जनरल मैनेजर तक, वाइस प्रेसिडेंट तक, सीईओ तक पहुंचना है, तो आपको टेक्निकल स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग स्किल, बिलिंग स्किल, डॉक्यूमेंट्री स्किल, टेंडरिंग स्किल, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तब तो आप जाके काम करोगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर हम जॉब करके सीख लेंगे। बहुत अच्छी सोच है वो, जॉब करके सीख लेंगे, लेकिन जॉब में क्या सीखोगे? जो काम हो रहा है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट को खत्म होने में कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक प्रोजेक्ट खत्म होने में तो 4 साल तक आप वेट करोगे चीजों को सीखने के लिए। तो ग्रोथ कब करोगे यार? ग्रोथ, ग्रोथ करने का मतलब है कि पहले काम सीख लो पूरा और जाके कंटिन्यू एग्जीक्यूट करो, कंटिन्यू एग्जीक्यूट करो, ग्रोथ करो, रैपिड ग्रोथ। हर साल आपकी सैलरी डबल होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सैलरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है यदि आपका टेक्निकल स्किल अच्छा हो तो। आप 12,000, 10,000, 15,000 से करियर स्टार्ट करो और रैपिड फायर ग्रोथ करो, डबल ग्रोथ करो, ट्रिपल ग्रोथ करो, क्योंकि स्टार्टिंग पे सैलरी बढ़ जाता है। 1,50,000, 1.5 लाख रुपए सैलरी पहुंचने के बाद ग्रोथ रेट कम हो जाता है, उसके बाद फिर 20%, 25%, 30% ही सैलरी ग्रोथ होता है। लेकिन करियर के स्टार्टिंग पे जब आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 होता है, तो हर साल आप डबल ग्रोथ कर सकते हो। मैं अपनी फर्स्ट डे की स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट डे किया जॉब पे, तो सोच तो यही था कि बड़ा सा ऑफिस होगा, एकदम शानदार, केबिन होगा, जाके ब्रीफकेस रखूंगा और काम स्टार्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों वो सब एक सिर्फ सपना ही था। गया तो एक झोपड़ी मिला टीन सेट वाला, एक चेयर था प्लास्टिक का और एक प्लास्टिक का टेबल था, वहीं पे अपन को सामान रखना, पूरे धूल से भरा हुआ टेबल। पहले जाके उसको झाड़े, अपना बैग रखा, और उस जब मैंने ड्राइंग उठाया, ड्राइंग पढ़ा, ड्राइंग पढ़ने में को आ जाता था क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे जगह से ट्रेनिंग लिया था, अपना वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत शानदार जगह से मैंने किया था। जो माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट होता है वो भी मैंने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ही किया था, तो पूरा मेरे को ड्राइंग रीडिंग मैंने सीख लिया था पहले से अपने कॉलेज पे ही। जब मैंने ड्राइंग उठाया, ड्राइंग पे देखा कि हाँ मेजरमेंट कितना है बीम का, और बीम की कास्टिंग हो रही थी उस समय, तो 8 इंच का बीम का मेजरमेंट था। मैं साइड पे गया, टेप पकड़ा और निकला 12 इंच। साइड पे जो बीम का साइज निकला वो 12 इंच। मैंने फुल एटीट्यूड में इधर आ, सुपरवाइजर को बुलाया, इधर आ, सुपरवाइजर आया। मैं बोला ये 8 इंच ड्राइंग पे दिया, 8 इंच साइड में कर रहा है, तू 12 इंच टिक कर इसको। तो सुपरवाइजर भी बड़े मतलब आश्चर्य से, उसने भी टेप नापा, 8 इंच आया। वो नाप रहा था 8 इंच आ रहा था, मैं नाप रहा था 12 इंच आ रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, अभी 12 इंच आ रहा, देख इसको ठीक से। तो उसने मेरे को बताया कि सर टेप कैसे पकड़ते हैं। मेरे पास वो प्लास्टिक वाला टेप था, मैं हुक से ना पकड़ के ब्लैक पट्टी के सामने से पकड़ रहा था, और वो ब्लैक टेप को पकड़ते हैं हुक से। तो ये कैपेसिटी था मेरा फर्स्ट डे, कि मेरे को टेप पकड़ने नहीं आता था। ड्राइंग रीडिंग मैंने सीख लिया था, लेकिन टेप पकड़ने नहीं आता। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 2013 में, आज से 7 साल पहले, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन यूट्यूब अवेलेबल नहीं था कि हम यूट्यूब में पूरी चीजें सीख सके। आज यूट्यूब अवेलेबल है, आज आपके लिए सिविल गुरुजी अवेलेबल है सिखाने के लिए। तो मेरे जैसी जो गलतियां, जो मुझे 5 साल लगे अपने करियर को ग्रोथ करने पे, एक अच्छे लेवल पे, एक पीएसयू फॉर्म पहुंचने में मुझे 5 साल लगे, और 5 साल बाद मैंने एक पीएसयू फॉर्म से रिजाइनिंग दिया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, कि जिस तरीके से मुझे टाइम लगा सीखने पे, मुझे ये फील हुआ यदि ये सारी चीजें मुझे पहले दिन आ जाता, यदि मुझे जॉब करते वक्त ये सारी चीजें मैं सीख लेता, तो उस समय कहीं और होता। और जब मैं उस अचीव लेवल पे पहुंचा, जब उस इंडस्ट्री के एकदम टॉप मोस्ट लेवल में पहुंचा, तब ये समझ आया, नहीं यार ये अकेले के लिए नहीं है, ये नॉलेज मैं अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकता, इस नॉलेज को मुझे एक्सप्लेन करना है, इस नॉलेज को मुझे स्प्रेड करना है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, टू दैट सिविल इंजीनियर हु रियली वॉन्ट्स टू ग्रो देयर नॉलेज, हु रियली वॉन्ट्स टू ग्रो देयर कॉर्पोरेट स्किल, हु वॉन्ट्स टू ग्रो देयर कंपनीज, हु वॉन्ट्स टू अर्न मोर मनी दैट ही रियली डिजर्व। वो लाइफ स्टाइल, वो जीने का तरीका, वो एक काम करने की पद्धति, जब वो एटीट्यूड डेवलप होता है ना शरीर पे, जब वो सिविल का एटीट्यूड डेवलप होता है, तभी मजा आता है। और सिविल गुरुजी का आज, टुडे इज द सेकंड एनिवर्सरी, 7 जून 2018 को सिविल गुरुजी स्टार्ट हुआ था, और 7 जून 2020 को सिविल गुरुजी का लास्ट डे ऑफर है आपके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का। हम पिछले लॉकडाउन से 35,400 रुपए का जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक टाइप का, जिस तरीके से हमसे सुविधा हो सका, देखो सर यार फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता,
फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, जो फ्री का होता है वो यूजलेस होता है। यूट्यूब पे, गूगल पे, हर चीज फ्री पे अवेलेबल है। यदि आपके पास पूरी लाइफ बची है तो पूरी लाइफ आप यूट्यूब पे सर्च कर करके चीजों को सीख सकते हो। लेकिन आपको एक कम समय पे लंबा अचीवमेंट चाहिए तो यू शुड ज्वाइन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे वेबसाइट और कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके कोर्स सीख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप अपने काउंसलर को फोन कीजिए, पूछिए कि आपके लिए क्या जरूरत है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरीके का वीडियो आप और चाहते हो सिविल गुरुजी से। दोस्तों उसी जोर शोर से जुड़ने के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ।